हेलो स्टूडेंट्स, और जैसे कि हमारी करंट अफेयर चल रही है और आज हम 6 दिसंबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं डेली बताकर चलता हूँ कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी एग्जाम है, आईबीबीएस का एग्जाम है, यूपी टेट, सी टेट एग्जाम है, ठीक है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर कराकर चल रहे हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर कराकर चल रहे हैं जो यूट्यूब पर आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगी, क्योंकि क्विज टाइप में करंट अफेयर तो आपको मिल जाएगी लेकिन वन लाइनर टाइप में आपको करंट अफेयर इजिली नहीं मिल पाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हम कराकर आपको चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व बैंक ने 2021-2025 के दौरान जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की कार्रवाई को लेकर जितने अरब डॉलर के निवेश की एक योजना घोषित की है, तो वो कितना है? वो है 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, ठीक है। जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपटने के लिए विश्व बैंक ने इतना फंड जारी किया है। क्लियर। आगे चलते हैं कि वह देश जिसके ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने 4 दिसंबर 2018 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा कौशल विकास परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ जितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितना मिलियन डॉलर का है? वो है 85 मिलियन डॉलर, 85 मिलियन डॉलर, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, ठीक, एशियाई विकास बैंक ने ओडिशा कौशल विकास परियोजना के लिए इतना फंड जारी किया है। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से जनवरी 2019 से अलग होने और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की घोषणा की है, तो वो है कतर। ये कल मैंने ये एक पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है, जहां पर मैंने बताया था कि पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका जो संगठन है उसको बोला जाता है ओपेक, ठीक है। ओपेक से अलग होने का डिसीजन लिया है कतर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको बोला जाता है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने प्रदूषण की समस्या को दूर करने में विफल होने पर जिस सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो है दिल्ली सरकार, ठीक है। दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने और उस पर दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि प्रदूषण की समस्या दिल्ली सरकार दूर करने में नाकाम साबित हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत सरकार और एडीबी ने भारत के इस पूर्वी तट राज्य में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए 85 मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, तो वो है उड़ीसा राज्य, ठीक है। उड़ीसा कौशल विकास परियोजना के लिए 85 मिलियन डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को याद करके चलना चाहिए, कोई भी फैक्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर इस नाम से वीडियो जारी करके संन्यास लेने की घोषणा की है, उस वीडियो का नाम है अनबीटन। अनबीटन के नाम से हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और उसमें पूरी तरह से डिक्लेयर किया है कि वे सभी प्रारूप T20, टेस्ट क्रिकेट और वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले रहे हैं। क्लियर। आगे चलते हैं कि इसरो के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम, जिसे हाल ही में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो वो है GSAT-11। सैटेलाइट का नाम है सबसे ज्यादा वजनदार सैटेलाइट, सबसे ज्यादा वेट वाला सैटेलाइट, इसरो के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम है ये, ठीक है। और कहां से इसको लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा
पूछा जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में चार भारतीय हैं, ठीक है, चार भारतीय महिलाएं हैं, जिसमें एक हैं प्रियंका चोपड़ा, फिर हैं रोशनी नडार मल्होत्रा, फिर हैं किरण मजूमदार शाह और चौथी महिला हैं शोभना भारतीया। ठीक है, तो चार महिला प्रियंका चोपड़ा, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह और चौथी महिला हो जाती है शोभना भारतीया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में इनमें से कौन सी भारतीय महिला शामिल है, तो वहाँ पर एक महिला का नाम ऐसा इन चार में से रख देंगे जो शामिल होंगी। ठीक है, तो आपको चूज करके बताना होगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि इन ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में वह महिला नहीं है, तो इसमें से तीन नाम ऐसे होंगे जो होंगे और एक नाम नहीं वाला वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में यह महिला पहले स्थान पर है। ठीक है, तो चार भारतीय महिलाओं की बात करी और अब इस वक्त है एंजेला मर्केल सबसे टॉप पर, ठीक है, पहले स्थान पर। एंजेला मर्केल जो कि काफी पॉपुलर हैं और राजनीति में सक्रिय हैं और जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक, तो गाइज आज की इस वीडियो के जरिए आपको यही करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने थे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने हिस्से का लाइक जरूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमें अच्छा लगेगा, हम मोटिवेट रहेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएं। और साथ ही इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जितना भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।